मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस खास कार्यक्रम में बात हो रही है माफिया यानी कि यहाँ पर अतीक अहमद को लेकर। देखा जाए यहाँ पर तो तमाम तरीके की वीडियो सामने आ रहे हैं और पूरी तरीके से अब राजनीति भी गर्मा चुकी है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि एनकाउंटर हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस का हाथ मिला हुआ था उन लोगों के साथ। यहाँ पर सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया है कि जिससे अतीक अहमद का निधन हो गया। लेकिन देखा जाए यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई वो साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि वो जो हमला था वो कहीं ना कहीं पहले से डिसाइडेड था, जिस तरीके से यहाँ पर जितनी भी विपक्षी पार्टी है वो कहती नजर आई। अब अगर वीडियोज की बात की जाए तो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि अतीक अहमद और उनके भाई पुलिस कर्मियों के साथ लगातार चल रहे थे, आगे मीडिया कर्मी थे जो लगातार उनसे सवाल कर रहे थे असद को लेकर, और काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिला। साथ ही यहाँ पर एक शख्स आया, उसने सर पर बंदूक लगाई और उसके बाद शूट कर दिया, फिर धमाधम शूट लगातार होते नजर आए। अब देखा जाए यहाँ पर तो सवाल ये उठे कि क्या मीडिया कर्मियों को भी तो चोट लग सकती थी, मीडिया कर्मियों को या किसी पुलिस वाले को चोट नहीं लगी, लेकिन एक पुलिस वाले का हाथ जरूर यहाँ पर घायल हुआ था। अब माना यह जा रहा है कि सब कुछ पहले से तय कर लिया गया था, सारी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी कि कैसे क्या करना है। अब तीन लोग जो पकड़े गए हैं जिनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, वो तीनों की उम्र 18, 22 और 23 बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है यहाँ पर कि योगी सरकार के द्वारा एनकाउंटर तो नहीं कराया गया या गाड़ी तो नहीं पलटी गई, लेकिन इस तरीके से अतीक अहमद का नामो निशान मिटा दिया गया। अब साथ ही साथ कुछ बड़ी जानकारियां भी सामने आई जिसमें यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर अतीक अहमद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें काफी बड़े खुलासे होते नजर आए, उसके बारे में इस खास कार्यक्रम में जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन अब देखा जाए कि यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां खास करके कांग्रेस और सपा, उनका साफ तौर पे कहना है कि जय श्री राम के नारे लगाकर ऐसा अपराध करना क्या शोभा देता है, ये सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर योगी सरकार को ये सब कुछ करना ही था तो क्या माना जाए कि यहाँ पर जय श्री राम का नारा लगवाना सही था, यानी कि पूरे तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर योगी सरकार पर निशाना साधते नजर आ रही है सारी पार्टियां। दूसरी तरफ देखा जाए असदुद्दीन ओवैसी को तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा होना चाहिए। तीसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर तो अतीक का जो मुकदमा है यानी कि जो मामला है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि जो रिटायर्ड जज है उनकी उनके निगरानी में इसमें जांच पड़ताल होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए, जो आसपास सीसीटीवी कैमरा है उनको खंगाला जाए कि आखिरकार वो जो लोग थे उनकी किससे बातचीत हुई थी पहले, क्या वो फोन पर बात कर रहे थे, कौन से नेटवर्क वहां पे एक्टिव थे, ये सारे सवाल यहाँ पर विपक्षी पार्टियां लगातार खड़े करते नजर आए। लेकिन अब देखा जाए अतीक अहमद कोई मामूली इंसान नहीं थे, 100 से ज्यादा केस उन पर लगे हुए थे और यहाँ पर जब से योगी सरकार आई ये कह लीजिए कि तब से कहीं ना कहीं उनके जो मामले थे वो सामने आते नजर आए, क्योंकि 2005 से शुरुआत हुई इस मामले की। उमेश पाल से पहले यहाँ राज्यपाल की हत्या, उमेश पाल को इसलिए मारा गया क्योंकि यहाँ पर वो राज्यपाल के हत्याकांड के चश्मदीद गवाह थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब ये माना जा रहा था कि शायद अब बारी है उमेश पाल के भतीजे की क्योंकि उनका भतीजा यहाँ पर चश्मदीद गवाह बना। लेकिन अब देखना यह है कि आखिरकार अब उत्तर प्रदेश में होता क्या है, क्योंकि तमाम तरीके के मीम्स जो बन रहे हैं उसको लेकर योगी सरकार कोई भी कड़ी कार्रवाई कर सकती है, ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आई। लेकिन चलिए अब आपको आगे की जानकारी देते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ बड़े खुलासे होते नजर आए। बताते चले कि यहाँ पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मीडिया के कैमरों के सामने हत्या होने से यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी फैल गई। इस कांड को तीन लड़कों ने अंजाम दिया जो उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं और किसी की भी उम्र 25 साल से ज्यादा की नहीं है। यही नहीं, कासगंज का रहने वाला अरुण मौर्य तो महज 18 साल का ही है, उसने इतने बड़े कांड को अंजाम दिया है, ये बात उसके पड़ोसी भी हजम नहीं कर पा रहे। गाँव के लोगों का कहना है कि अरुण मौर्य अक्सर चुप ही रहता था और लोगों से ज्यादा बात नहीं करता था, उसके बारे में यकीन ही नहीं हो रहा कि वह इतना बड़ा अपराध कर सकता है। उसके गांव के प्रधान ने बताया कि अरुण के पिता दीपक मौर्य गोलगप्पे बेचते हैं, 10 साल पहले ही गांव वापस लौटे हैं और पूरा परिवार एक ही कमरे में रहता है। अब पहले पानीपत में रहा करते थे लेकिन अरुण मौर्य के पिता यहाँ लौट आए। अरुण के दादा अब भी पानीपत में ही रहते हैं जहाँ अरुण भी रहता था, मैं अपने माता पिता के पास कम ही रहता था। गांव के लोग कहते थे कि अरुण मौर्य के पिता बेहद सरल स्वभाव के हैं, यहाँ तक कि गांव में किसी की भी उनकी कभी बहस तक नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि अरुण मौर्य 3 साल पहले गांव से चला गया था और अपने दादा के पास ही रहता था, कभी कभार ही गाँव आता था।
लोगों ने बताया कि 6 महीने पहले वह गांव आया था और 3 दिन रुकने के बाद चला गया था। उसके परिजनों को टीवी के माध्यम से ही पता चला कि लड़के ने इतने बड़े कांड को अंजाम दिया है। अरुण मौर्य का की एक छोटी बहन है जो 14 साल की है और उसका छोटा भाई 12 साल का ही है। अरुण के बारे में कासगंज में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं रहा। बेटी की हरकत के बारे में पता चलने के बाद अरुण के माता पिता ने अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ कहीं चले गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खबर मिलने के तुरंत बाद ही वह घर में ताला लगाकर कहीं और चले गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वह अरुण के परिजनों से संपर्क की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल गाँव में फोर्स तैनात है। गाँव वालों ने बताया कि अरुण का कोई दोस्त नहीं है और वह माँ बाप के पास भी कम ही रुकता था। गांव के शख्स ने कहा कि 6 महीने पहले जब वह आया था तो उसके हाथ में फ्रैक्चर था। अब आगे की जानकारी भी आपको दे देते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद की हत्या को लेकर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। मुफ्ती ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यूपी में जंगल राज है, असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सब किया जा रहा है। अतीक अहमद कोई फरिश्ता नहीं था, लेकिन जिस तरह से पुलिस हिरासत में उनकी हत्या की गई उससे लगता है कि यूपी में जंगल राज है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री यही पर नहीं रुके, उन्होंने इसे आगे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की ओर से हाल ही में दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि हो सकता है कि उनकी बातों को लाइमलाइट में आने से रोकने के लिए ऐसा किया गया हो। यूपी के घटनाक्रमों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले में जिसमें 40 जवानों की शहादत, उसमें क्या लापरवाही बरती गई और उसे किस तरह छुपाने की कोशिश की गई और भ्रष्टाचार को लेकर जो बयान आजकल वह दे रहे हैं से अतीक के हत्या के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बाहुबली से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात हत्या के बाद यह बयान दिया है। दरअसल अतीक की हत्या उस समय हुई जब पुलिस दोनों को एक मेडिकल कॉलेज लेकर जा रही थी। इस मामले में 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर यह भी बता दे कि अतीक और अशरफ की हत्या से सिर्फ 2 दिन पहले झांसी में पुलिस मुठभेड़ में बाहुबली का बेटा एस अहमद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। महबूब के ताज़ा बयान को पुलवामा हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा है कि इस बात की कि अतीक की हत्या एक साथ कई मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश के तहत की गई है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी सारी सच्चाई भी है और नहीं भी। अब हत्याकांड की जाँच के लिए SIT गठित और पर्यवेक्षण के लिए 3 सदस्य समिति भी बनी है। अब देखिए यहाँ पर जानकारी सामने आई कि प्रयागराज में हुई माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद के हत्याकांड की जांच के बाद विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस संबंध में प्रयागराज कमिश्नरेट ने आदेश जारी कर दिया है। वही यूपी DGP ने इसके पर्यवेक्षण के लिए ADG प्रयागराज जोन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम का गठन भी किया है। गठित की गई SIT में अपर पुलिस उपायुक्त अपराध सतीश चंद्र, सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली सत्येंद्र प्रसाद तिवारी और विवेचना शेम ओम प्रकाश को शामिल किया गया है। वही पर्यवेक्षक टीम में अपर पुलिस महानिदेशक और प्रयागराज जोन को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज व निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला इसके सदस्य है। तो इसके पहले हत्याकांड की जांच के लिए प्रदेश सरकार द्वारा न्यायिक आयोग का गठन किया जा चुका है। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व वाले आयोग में सेवानिवृत्त जज ब्रजेश कुमार सोनी और पूर्व DG सुभेश कुमार सिंह सदस्य होंगे। आयोग को 2 महीने में जांच का रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जांच आयोग कानून 1952 के तहत गृह विभाग में इसका गठन किया गया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है यहाँ पर जिस तरीके से तमाम जानकारी अतीक अहमद को लेकर आ रही है, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।